अनीता प्रसाद। आज मैं आपको भिंडी फ्राई अपने तरीके से बनाना सिखाती हूँ। तो आइए देखते हैं उसके लिए क्या क्या सामान लगेगा। देखिए, भिंडी फ्राई के लिए सबसे पहले मैंने भिंडी को अच्छी तरीके से धुलकर छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। आइए मसालों में देखते हैं। ये हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, लहसुन के पेस्ट, ये धनिया पत्ता है, ये मेथी है दाने ऊपर फोरन के लिए डालने के लिए, ये ग्रीन चिली और रेड चिली है, सॉल्ट और बनाने के लिए ऑयल। तो आइए अब हम लोग बनाते हैं भिंडी फ्राई। जैसे ही हमारा पैन थोड़ा गर्म हो जाए, इसमें हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, 2 चम्मच के आसपास डालेंगे, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे। मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, आप अपने पसंद का कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। अब इसमें मेथी दाने को डालेंगे और क्रैकल को आने देंगे। इसके बाद ये ग्रीन चिली और रेड चिली को डालेंगे। टेम्परेचर को मीडियम पर ले आएंगे और भिंडी को डाल देंगे। और इसे 2 से 3 मिनट के लिए किसी मीडियम टेम्परेचर पर हम लोग फ्राई करेंगे। देखिए इसका चिपचिपापन बिल्कुल चला गया है, थोड़ी देर और भूल जाएगा। देखिए ये सेमी फ्राई हो चुका है, अभी और फ्राई होगा। लेकिन अब हम लोग टेम्परेचर को बिल्कुल कम करके इसमें मसाले ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, रेड चिली पाउडर ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, गार्लिक के पेस्ट है ये भी 1/2 चम्मच ही डालें। आपको ज्यादा लहसुन पसंद है तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, बीच बीच में इसे चलाते भी रहे। अभी तक मैंने सॉल्ट नहीं डाला है, थोड़ी सी और फ्राई होने के बाद सॉल्ट डालेंगे। इसे बिल्कुल ढक करना फ्राई करें, क्योंकि जब ढक देंगे तो इसका हरापन चला जाएगा। अभी 1 से 1.5 मिनट पर लो मीडियम टेम्परेचर पर फ्राई होगा। और जिन लोगों को गार्लिक नहीं पसंद है वो ना डालें, उसमें जिंजर का पेस्ट डाल सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसमें मसाले भी ऐड कर सकते हैं। मैंने एकदम सिंपल फ्राई बताया है, आप चाहें तो इसमें अपने पसंद के मसाले ऐड कर लें। और ये अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम लोग सॉल्ट ऐड करेंगे, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें इसमें। और इसे फिर से 1 मिनट के लिए, बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा मैंने नहीं रखा है, इसलिए 1 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारी भिंडी बिल्कुल फ्राई हो चुकी है, कितना यम्मी और क्रिस्पी दिख रहा है। अब इसे करेंगे ऑफ और इसे सर्व करने के लिए निकालते हैं हम लोग। देखिए मैंने भिंडी को निकाल लिया है, अब इसमें ऊपर थोड़ी सी धनिया पत्ता से डेकोरेट कर देंगे। ये ऐसे ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या नट भी डाल सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान था इस भिंडी फ्राई को बनाना, मेरी बताई ये रेसिपी। अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।